हेलो ऑल वेलकम टू द ट्रिपल एस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो प्रीवियस वीडियोस हमने करी थी उसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडावर्सिटी इन क्लाइमेट चेंज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर रहा था और उसी के अंदर हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ये सारी चीज़ों को कवर किया था इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और उसी के अलावा कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इकोसिस्टम टॉपिक के अंदर आते हैं लाइक प्रोडक्टिविटी एनर्जी फ्लो ट्रॉफिक लेवल फूड चेन फूड वेब एंड टेन परसेंट लॉ ये टॉपिक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे लेटस्ट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो ना जब हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है इकोसिस्टम में हम लोग हमेशा इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं जो किसके किसके बीच में होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का इंट्रैक्शन और किसका विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट तो हम इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर क्योंकि इसके इकोसिस्टम में हम किसकी बात करते हैं वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग अमंगस एंड आल्सो विद द सराउंडिंग ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और जो उनका फिजिकल सराउंडिंग्स होती हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं इस चीज को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं अब इकोसिस्टम जो होता है ये एक छोटे से एरिया को भी हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं और बहुत बड़े एरिया को भी हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं लाइक like पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम हो सकता है फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम हो सकता है सी भी एक इकोसिस्टम हो सकता है मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद पे भी डिपेंडेंट है खुद खुद के साथ भी इंट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ जो उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनके साथ भी इंट्रैक्ट करते हैं अब जब हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम जो टर्म है दिस टर्म वाज कॉइंड बाय ए जी टैंसले इन पर से जो पर्सन है ए जी टैंसले इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन करा था अराउंड 1935। तो आपको ये नाम जो है वो यहाँ पे याद रखना है उसके बाद हमको ये देखना है कि जब हम लोग इको की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं तो ये टर्म्स है बेसिस ऑफ द नेचर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है तो अगर हम लोग इको की जो दो टाइप्स को डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर तो इसमें दो टाइप होते हैं एक हमारे पास

रिवर स्ट्रीम वेटलैंड सी एस्ट्री ये सारे के सारे इको जो होते हैं इसको हम लोग एक्वेटिक इको सिस्टम के अंडर स्टडी करते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर इको सिस्टम इको सिस्टम एंड एक्वेटिक डेवलपमेंट अगर डेवलपमेंट के बेसिस पे हम देखें तो इको सिस्टम को फिर से दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है कौन कौन सी दो टाइप्स हैं द फर्स्ट वन इज द नेचुरल इको सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द एंथ्रोपोजेनिक या फिर इसको हम लोग आर्टिफिशियल इको सिस्टम

सिस्टम में उसके बाद अगर हम डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ द साइज अगर साइज के बेसिस पे हमें पूछा जाता है तो बेसिकली हम कितने में डिवाइड करते हैं इकोसिस्टम को फोर टाइप्स में कौन-कौन सी द फर्स्ट वन इज द मेगा इकोसिस्टम मेगा इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं जो लार्ज साइज इकोसिस्टम होते हैं जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज सी इकोसिस्टम को हम मैक्रो इकोसिस्टम भी बोलते हैं इसका मतलब होता है जो अगर, अगर कोई मीडियम साइज इकोसिस्टम होगा तो उसको मैक्रो इकोसिस्टम या फिर मीजो इकोसिस्टम बोलेंगे लाइक like, फॉरेस्ट हो गया ग्रासलैंड हो गया डेजर्ट्स हो गया उसके बाद माइक्रो इकोसिस्टम क्या हुआ जो स्मॉल साइज माइक्रो मतलब स्मॉल साइज तो उसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जा 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 जाएगी पॉन्ड लेक ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगे माइक्रो इकोसिस्टम में और नैनो इकोसिस्टम मतलब जब बहुत ही माइन्यूट होगा छोटा होगा पल इज अ किचन गार्डन जो किचन गार्डन होता है वहां पर जो इको बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नैनो इको सिस्टम लॉग ऑफ वुड अगर कहीं कहीं पे पड़ी है तो उसके ऊपर भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स इंसेक्ट्स छोटे छोटे प्लांट छोटे छोटे ग्रो हो जाते हैं तो वो वहां पर जो इको बनाते हैं उसको भी नैनो इको बोलते हैं एक्वेरियम के अंदर भी जो इको डेवलप होता है उसको भी नैनो इको बोलते हैं तो अभी तक हमने ये देखा दैट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर इको की दो टाइप है टेरिस्ट्री ecosystem aquatic ecosystem on the basis of the development two types natural ecosystem and anthropogenic ecosystem which is also known as the artificial ecosystem then on the basis of the size ecosystem is divided into four types mega meso micro and nano ecosystem इसके बाद हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बेसिकली दो होते हैं एक होते ए बायोटिक जिनको लिविंग कॉम्पोनेट्स भी हम लोग बोलते हैं बायोटिक कॉम्पोनेट्स में लिविंग आते हैं ए बायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेट्स में जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी करा था जिसमें लाइट को हम लोग डिस्कस करते हैं सॉइल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस टाइप के जो कंपोनेंट्स आते हैं इनको हम लोग नॉन लिविंग या एबायोटिक बोलते हैं और इनको हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है अच्छे से इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी हम यहाँ पे आगे बायोटिक कंपोनेंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है द फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर्स सेकंड वन इज द कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन इज द डी ये तीन टाइप्स हमारी रहती हैं अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं ये इजी चीजें हैं बट कभी कभी हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए जो भी टर्मोनोलॉजी है उसको मीनिंग के साथ हमें समझना है ऑटोट्रॉफ का मतलब ऑटो मतलब सेल्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और उन्हीं को क्या बोलेंगे प्रोड्यूसर्स बोलेंगे क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे तो प्रोड्यूसर्स मतलब दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाती है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगे और ब्लू ग्रीन एलगे का एक और नाम है यू कैन ऑल्सो मी इन द कॉमेंट सेक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज इनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल जो है इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं तो so, पहला हमारा बायोटिक कॉम्पोनेंट आ गया प्रोड्यूसर्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं अब अपना फूड तो खुद बनाते हैं बट बात आ जाती है हमने इको में दो मेन टाइप के इको को डिस्कस किया एक हमने एक्टिक इको को डिस्कस किया एक हमने टेरिस्ट्रियल इको को डिस्कस किया अभी हम लोग प्रोड्यूसर्स को पढ़ रहे हैं तो एक्वेटिक इको में कौन से प्रोड्यूस किसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे और टेरिस्ट्रियल इको में किसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे मेन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं अगर हम लोग टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें लैंड वाले इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर जो भी रूटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम और अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करें तो जो फाइटो होते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होते हैं मेन प्रोड्यूसर्स कहाँ पर एक्वेटिक इको में तो ये क्वेश्चन हमें आ सकता है दैट विच इज द मेन प्रोड्यूसर इन द एक्टिक इको एंड विच इज द मेन प्रोड्यूसर इन द टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए प्रोड्यूसर के बारे में एक और चीज हमें पता होनी चाहिए दैट प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज इनको हम लोग कन्वर्टर्स भी बोलते हैं और ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं कन्वर्टर्स क्यों बोलते हैं क्योंकि बेसिकली ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी सन से जो सोलर एनर्जी मिलती है उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसड्यूसर्स मतलब ये एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स से एनर्जी किसको मिलती है फिर कंज्यूमर्स को मिलती है <coughs> तो प्रोड्यूसर्स को कन्वर्टर्स भी बोलते हैं और ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं

So, they are unable to synthesize.

प्लांट्स पे को फीड करते हैं प्लांट्स को खाते हैं इसके बाद आ जाता है वन इज द सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स अब secondary consumers जो होते हैं ये किसको किस पे फीड करते हैं ये फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स पे सो सेकेंडरी देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर्स और ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं इनको हम लोग प्राइमरी कार्वू बोलते हैं ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो किस पे फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे

वोल फाइना ये सारे एग्जाम्पल सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन कहां से करते हैं दोनों से ये से ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर से भी अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं और इसके बाद जनरली हमें कोई भी कंज्यूमर्स देखने को नहीं मिलते मेनली यही हमारे जो होते हैं वो लास्ट कंज्यूमर्स होते हैं और इन ऐसे फिर इनको खाने वाले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते ये फिर लास्ट में क्या होता है खुद ही इनकी डेथ हो जाती है किसी रीजन इनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद फिर ये क्या हो जाते हैं डीकंपोज हो जाते हैं लाइक एग्जांपल्स आर ईगल इट वर्लचर पी कॉक लाइन टाइगर की कुछ एग्जांपल्स होती हैं। ये टर्सरी कंज्यूमर्स में आती हैं तो बायोटिक फैक्टर में हमने पहला डिस्कस किया प्रोड्यूसर दूसरा डिस्कस किया कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं कंज्यूमर्स को हिटीरोस बोलते हैं और कंज्यूमर्स के अंदर हमने प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स को डिस्कस किया इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है डीकम्पोज Decomposes की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज कर दें डेड ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज कर दें दे आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड द मेन डीकोजर इन द इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फनज डीग्रेड और डीकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसर्स भी हम इनको बोलते हैं और माइक्रो कंज्यूमर्स भी हम इनको बोलते हैं ये टर्म्स याद रखनी है ये पूछी जा सकती हैं कि माइक्रो कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे वहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे ऑप्शंस वहां पे दे देंगे प्राइमरी कार्निवोर सेकेंडरी कार्निवोर डीकम्पोजर तो हमें वहां पर डिकम्पोजर चूज करना है अब इनको क्यों बोलते हैं डिकम्पोजर्स को रिड्यूसर्स क्यों बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर जो होता है किसी भी डेड एनिमल या प्लांट का उसको रिड्यूस कर देते हैं और माइक्रो कंज्यूमर्स इसलिए बोलते हैं एक तो बो, बहुत ही छोटे छोटे

स्केवेंजर की जब हम लोग बात करते हैं तो स्केवेंजर बेसिकली क्या करते हैं जो भी कोई डेड ऑर्गेनिज्म होता है ये उसको फीड करते हैं मतलब कोई भी अगर एक डेड ऑर्गेनिज्म है उसको जो खाएगा उसका जो ज्यादा जो फ्लैशी मास या फिर उसको जो खाएगा उसको हम लोग स्केवेंजर बोलेंगे अब किसी डेड ऑर्गेनिज्म को खाने के बाद कुछ थोड़ा बहुत जो होगा लेफ्ट ओवर जो होगा वो बच जाएगा आगे पीछे ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है अगर कोई वल्चर है अगर ये किसी डेड ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो पूरा का पूरा खा जाए 100% ऐसा तो नहीं होगा कुछ तो लेफ्ट ओवर भी रह जाएगा साइड पे तो वो जो लेफ्ट ओवर रह जाएगा बेसिकली उसको कौन डीकंपोज करता है उसको डेट्रीवोर्स डीकंपोज करते हैं उसको जो एनिमल्स डीकंपोज दिक, करते हैं उनको डेट्रीवोर्स बोलते हैं इस तो केवेंजर के अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं लाइक हाइनाज़ देन वेटरसैक इसके अंदर हमारी एग्जांपल आ जाती है हाँ स की वल्चर की क्रो की ये हमारे स्केवेंजर्स और डेटरी के अंदर एग्जाम्पल आ जाती है स्नेल मिलीपीड क्रैब या फिर इसके अंदर हम लोग अर्थ टर्माइट्स इन सबको डिस्कस करते हैं तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटरीवोज एंड स्केवेंजर्स अब ये तो हमने बेसिक डिस्कस किया इकोसिस्टम के बारे में अब थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन स्ट्रक्चर और फंक्शन में इकोसिस्टम में हमको क्या पढ़ना है जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं इकोसिस्टम की तो उसमें दो चीज़ें आती हैं बेसिकली एक हम उसमें आता है स्पीशीज का कॉम्पोजिशन और एक आता है उसमें स्ट्रेटिफिकेशन अब स्पीशीज का कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि इकोसिस्टम के अंदर जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं प्लांट स्पीशीज होती हैं एनिमल स्पीशीज होती हैं जो एक इकोसिस्टम को बनाती हैं क्योंकि जब प्लांट भी प्लांट स्पीशीज भी होंगी एनिमल स्पीशीज भी होंगी उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छे से होगा तो वहां पर क्या होगा बेसिकली उस इको में स्पीशीज की जो कॉम्पोजिशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी और स्पीशीज की कॉम्पोजिशन अलग अलग इको में अलग अलग टाइप की होती है एक्वेटिक में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज होंगी टेस्ट्रियर में टाइप ऑफ स्पीश होगी तो वैसे है रहता है और स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन में बेसिकली हम क्या बात करते हैं दैट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल क्या मतलब हुआ अगर हम लोग किसी भी एक ecosystem की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है बेसिकली एक स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है लेयर्स लेयर्स बट किसकी layers? अगर हम लोग प्लांट के perspective से यहां पे बात करें तो जो सबसे बड़े बड़े प्लांट्स होंगे वो हमारी क्या करेंगे टॉप वाली लेयर बना देंगे जो तो ये सपोज हमारे पास बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो ये क्या करेंगे टॉप वाली लेयर बना देंगे है ना तो इसके बाद अगर हम कोई और उसके इससे थोड़े से छोटे प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें सपोज ये वाले हमारे पास प्लांट्स हैं जिनकी इतनी ही लेंथ है तो ये हमारे पास एक और डिफरेंट लेयर बना देंगे इसके बाद एक और अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट अगर सपोज कुछ हमारे पास ये छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे हमारे पास प्लांट्स हैं तो ये हमारे पास एक डिफरेंट लेयर बना देंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा थ्री डिफरेंट लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और इसका मतलब है इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेटा बोलते हैं जो टॉप वाली लेयर होगी ये किसकी होगी ट्रीज़ की होगी ट्रीज हो जो उसके नीचे वाली लेयर होगी ये किसकी होगी श्रब्स की होगी और उसके नीचे वाली लेयर जो बॉटम लेयर होगी वो किसकी होगी ग्रास की होगी या फिर किसकी होगी हर्ब्स की होगी तो इस तरीके से इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो रहता है उसमें एक स्ट्रेटिफिकेशन होती है कि टॉप लेयर देन सेकेंड लेयर देन बॉटम लेयर और इस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट होता है और इसी चीज को अगर हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखें ये तो जो हमने अभी पीछे पढ़ा ये तो हमने टेरिस्ट्रियल वाला पढ़ा ना ट्री शर्ब्स एंड ग्रास में किस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन होगी अगर हम लोग एक्वेटिक में देखें तो एक्वेटिक के केस के में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर हम लोग एलगी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो टॉप वाली लेयर होगी वाटर की वहाँ पर हमें ग्रीन एलगी देखने को मिलेगी उसके नीचे सेंटर में हमें क्या ब्राउन एल की देखने को मिलेगी और बॉटम रीजन में हमें रेड एल की देखने को मिलेगी क्योंकि रेड एल की बेसिकली अगर हम जब हम लोग विब ग्योर को डिस्कस करते हैं विब ग्योर को जब हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्पोजिशन में जिसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है ना इन सेवन कलर्स में तो ये वाला जो होता है रेड कलर होता है रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है सबसे ज्यादा होती है और वायलट कलर जो होता है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो क्या करेगा सबसे ज्यादा पेनीट्रेट करेगा तो रेड लाइट जो है रेड लाइट क्या करती है बहुत ज्यादा पेनीट्रेट करती है नीचे तक पेनीट्रेट कर जाती है और रेड एलगी के पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो इस रेड लाइट को यूज करके क्या करते हैं वहां पे वो एलगी के अंदर क्या कर सकते हैं वहां पे फूड बनाते बनाने में हेल्प करते हैं तो इसीलिए हमें टॉप लेयर में ग्रीन एलगी देखने को मिलती है सेकेंड लेयर में ब्राउन एलगी और नीचे वाली लास्ट uh, लेयर में बॉटम लेयर में हमें रेड एलगी देखने को मिलती है उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम इकोसिस्टम के फंक्शंस को अगर हम स्टडी करें तो उसमें चार मेन चीजें आती हैं एक आती है प्रोडक्टिविटी एक आती है एनर्जी फ्लो उसके बाद एक आता है डीकम्पोजिशन और एक आता है न्यूट्रिय साइक्लिंग ये चार जो होते हैं वो मेन फंक्शन होते हैं इकोसिस्टम के इन्हीं फंक्शन को अब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है मतलब प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है एनर्जी एनर्जी वहां पे का प्रोडक्शन करना या किसकी फॉर्म फॉर्म में में ऑर्गेनिक बायोमास की जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है प्लांट्स के अंदर प्लांट्स का बायोमास इंक्रीज हो जाता है ना जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो क्या होता है उसका बायोमास बनता है बेसिकली उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी सो सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक बायोमास बाय एनी ट्रॉफिक लेवल इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी को हम मेजर कैसे करते हैं किस यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं या तो हम उसको मेजर करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एर, इस फॉर्म में मेजर करते हैं या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ये जो पर ईयर हम ले यहाँ पे हम इसलिए ले रहे क्योंकि अगर हम पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी को देखेंगे तो पर ईयर लेंगे अगर हम पर डे दे देखेंगे तो पर डे या फिर पर सिक्स मंथ जिस भी तरीके से हम देखेंगे उस तरीके से हम यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं अब प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मेनली दो टाइप की होती है एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बी फर्दर दो टाइप की होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है टोटल एनर्जी एक्यूमुलेशन इन द ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ बायोमास और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन पर यूनिट एरिया पीरियड ऑफ टाइम थ्रू फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो जो प्रोडक्टिविटी 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 है 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 वही बेसिकली प्राइमरी प्राइमरी अब इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया गया है और इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग अगर हमको वेट के टर्म में मेजर करना होगा कि कितनी प्रोडक्टिव है तो प्रोडक्टिविटी है तो हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे और अगर, अगर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखना है कि कितनी प्रोडक्टिविटी है तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे अब इसमें दो टाइप आती हैं ग्रॉस

productivity क्या होती है अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बाय द प्लांट्स इन द रेस्पिरेशन तो कुछ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो प्लांट उसको एनर्जी को यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में तो so, उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब हम रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं जो जो फाइनली प्रोडक्टिविटी बचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है दिस इज द अवेलेबल बायोमोस

प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया उस पर डिपेंड करती है क्योंकि अगर एक प्लांट स्पीशीज की ग्रोथ अच्छी है प्रोडक्टिविटी अच्छी है और अगर वहां पर कोई वीड आ जाता है या कोई और स्पीशीज आ जाती है तो उसकी वजह से वो जो प्लांट है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी अ वराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा क्लाइमेट कैसा है टेम्परेचर कैसा है सॉइल कैसी है वहां पे न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट पे भी डिपेंड करेगा जितनी ज्यादा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी हाई होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी जितनी कम फोटोसिंथेटिक

सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसका मतलब है द रेट एट विच द कंज्यूमर्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ देयर फूड इनटू बायोमास अब कोई कंज्यूमर है उसने एक प्लांट को खाया उस प्लांट जब उसने उस प्लांट को खाया उस प्लांट से जो एनर्जी होगी जो उसके हेल्प करेगी उसके बायोमास को इंक्रीज करने में उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सपोज कोई ग्रास है और इस ग्रास को किसने खाया इसको खाया डियर ने डेयर जब इस ग्रास को खाएगा तो इस ग्रास को खाने के बाद जो एनर्जी है जो इस जो ये ग्रास को खाने के बाद उसमें से जो केमिकल एनर्जी है उस फूड में से उसको यूज करेगा अपने बायोमास को इंक्रीज करने के लिए उस चीज को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सो दिस इज अबाउट प्रोडक्टिविटी जिसमें हमने डिस्कस करा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है उसकी दो टाइप्स को डिस्कस करा एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हमने डिस्कस करा इसके बाद हमें यह पढ़ना है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का जो फ्लो है वो किस तरीके का होता है तो हमेशा याद रखना इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल मतलब मतलब सनलाइट जो है वो किसको मिलेगी प्रोड्यूसर्स को मिलेगी यहां से एनर्जी यहां ट्रांसफर होगी प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में ट्रांसफर होगी और कंज्यूमर्स से वो कहा होगी डिकम्पोजर में ट्रांसफर होगी कभी भी ये जो है बाई नहीं होगी ये हमेशा क्या होगी यूनिडायरेक्शनल होगी और इस चीज को समझ हम किस इस चीज को हम जो थर्मोडायनेमिक के दो लॉज हैं उनसे समझ सकते हैं सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के वो क्या कहता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी

एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट और एंट्रोपी जब भी एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर हो रही होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और उसी चीज को हम लोग एंट्रोपी भी बोलते हैं so ये दो लॉस हमें बताते हैं कि किस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है वो इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलता है और अगर हम लोग मेन सोर्स की बात करें तो वो क्या है सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम और अगर हम लोग सनलाइट की बात करें तो जितनी भी सोलर रेडिएशन सनलाइट से सोलर रेडिएशन आते हैं उसमें से अराउंडी परसेंट रेडिएशन होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं फोटोस

बोलते हैं

ट्रॉफिक लेवल में भी क्या होता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं जैसे T1, T2, T3, T4 इस तरीके से रहता है तो T1 का मतलब T1 कौन सा ट्रॉफिक लेवल हुआ T1 का मतलब हुआ जो कि प्रोड्यूसर्स हुए वो क्या हो गया टी ट्रॉफिक लेवल तो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें

उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम लोग हर्बी बोलते हैं अभी पहले भी डिस्कस किया सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम लोग प्राइमरी कार्निवोर बोलते हैं और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स को हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर्स बोलते हैं और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं तो अगर हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये हमारे आगे प्रोड्यूसर्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं ये हमारा t1 ट्रॉफिक लेवल है देन प्राइमरी कंज्यूमर्स t2 ट्रॉफिक लेवल देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स t3 ट्रॉफिक लेवल t4 ट्रॉफिक लेवल इज टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड t5 ट्रॉफिक लेवल इज क्वार्टनरी कंज्यूमर्स और इसी तरीके से हम लोग एग्जांपलस भी देख सकते हैं दीज आर टी वन एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सेकेंड ट्रॉफिक लेवल थर्ड ट्रॉफिक लेवल तो इस तरीके से हम लोग ट्रॉफिक लेवल में क्या करते हैं में हम क्या करते हैं जो फूड चेन में आते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल जो उनका होता है उस बेसिस पे हम लोग उसको ट्रॉफिक लेवल असाइन करते हैं इसी में अब हमको डिस्कस करना है फूड चेन के बारे में तो फूड चेन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे तो फूड चेन का बेसिकली क्या मतलब है फूड चेन मतलब एक सीक्वेंस है इंडिविजुअल्स की इकोसिस्टम में जिसमें फूड के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और इसी फूड चेन में जो एनर्जी जो है वो भी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टू अनदर तो फूड फूड चेन चेन की जब हम बात करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेसिकली हम सबसे पहले आप ये समझो कि फूड चेन को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं कौन कौन से दो में डिवाइड करते हैं एक ऐसी फूड चेन होती है जिसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूसर होता है और एक ऐसी फूड चेन होती है जिसमें फर्स्ट ऑर्गेनिजम जो होता है वो डेड ऑर्गेनिजम होता है जब हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिजम जो होगा वो प्रोड्यूसर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन बोलेंगे जब फर्स्ट ऑर्गेनिजम जो है वो प्रोड्यूसर होगा लेट मी जस्ट शो यू अगर हम इस पर्टिकुलर फूड चेन को देखें तो यहां पर हमारे पास ये जो लीव्स हैं कैबेज है ये क्या है प्रोड्यूसर है इसको ये जो इंसेक्ट है ये खाएगा कैटरपिलर और इस कैटरपिलर को कौन खाएगा ये बर्ड खाएगा दैट इज थ्रश तो ये वाली जो फूड चेन है इसको हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं इसी फूड चेन में अगर यहाँ पे सपोज ये लीव्स नहीं दिया हो ये प्रोड्यूसर यहाँ पे नहीं हो और अगर सपोज ऐसे लिखा हो यहाँ ऐसे हमको दिया हो कि कैटरपिलर है उसको यहाँ पे थ्रश जो है ये खाता है तो इस टाइप की जो फूड चेन है ये क्या आ जाएगी प्रीडेटरी फूड चेन आ जाएगी इसको हम लोग प्रीडेटरी फूड चेन बोलेंगे क्योंकि पर या फिर है। तो ये हमारी आ गए, जिसको हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं जिसके अंदर क्या है पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिज्म सेकेंड टाइप ऑफ फूड चेन आती है जिसको हम लोग डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन का क्या मतलब है ऐसा मतलब ऐसी फूड चेन जिसमें जो पहला ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा टेड ऑर्गेनिज्म होगा जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करें तो डेट्राइटस मतलब कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म कोई भी डेड एनिमल तो उस पर क्या डेड एनिमल या फिर डेड प्लांट कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो होगा उस पर कौन फीड करेगा अर्थ वार्म उस पर फीड करेगा फिर अर्थ वार्म पे कौन फीड करेगा इस अर्थ वार्म को कौन खाएगा उसको फिर स्पैरो खाएगी और स्पैरो को खाएगा? कौन खाएगा फैलकोन खाएगा तो इस टाइप की फूड चेन जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर उसको हम लोग बोलेंगे डेट्राइटस फूड चेन बोलेंगे या फिर हम

पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है दिस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द हरबी वोर ये एक हरबी वोर से स्टार्ट होगी एक प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी लाइक ट्री बट इन सक्सेसिव ऑर्डर इट गोज फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल ऑर्गेनिज्म को जो है वो बर्ड्स खाएंगे और बर्ड्स को जो है वो कौन उसके उसके ऊपर ऊपर क्या करेंगे उसके करेंगे पैरासाइट्स फीड और पैरासाइट जो होते हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते है हैं और उस पर फीड करते हैं तो इस टाइप की फूड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन तो हमने फूड चेन के टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कस करा अब हम डिस्कस करेंगे फूड वेब को फूड वेब की जब हम लोग बात करते हैं तो फूड वेब का क्या मतलब है? फूड वेब का मतलब, इंटरकनेक्टेड होती हैं है? है. वहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म है उसको दूसरा खाएगा फिर उसको कोई और मतलब वो एक सीक्वेंस नहीं है वो एक इंटरकनेक्शन है अगर हम यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पे ग्रास की बात करें तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है इस ग्रास को जो है वो ग्रास ऑपर भी खाएगा और इसी ग्रास को जो है वो रेबिट भी खाएगा तो इसका मतलब और फिर इस रेबिट को जो है वो फॉक्स खाएगी अब इस ग्रास ऑपर को यहाँ पर ये यह बर्ड खाएगा और इस बर्ड को यहाँ पर ये यह फॉक्स जो है वो भी खा लेगा तो यहाँ पर क्या है बेसिकली इंटर है बट यहाँ पर भी जो ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगा यूनी रहेगा बट फ्रॉम वेनी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव पाथवेज डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज रहेंगे बट जो एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा यूनी रहेगा or one more important thing in food web members of a particular trophic level obtain their food according to their choice एंड टेस्ट बट दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन द फूड चेन चीज इंपॉर्टेंट है कि अपनी चाहिए क्योंकि फूड तो चेन में. में, में एक सीक्वेंस है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ही खाएगा उसको नेक्स्ट ही खाएगा बट यहाँ पर फूड वेब के केस में चॉइस होती है ऑर्गेनिज्म के पास और यही चीज हम कहा इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में दैट इज टेन परसेंट लॉ टेन परसेंट लॉ की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो है जैसे प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर को किसने खाया कंज्यूमर्स ने खाया जब भी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे तो प्रोड्यूसर्स के पास तो क्या होगी हंड्रेड परसेंट एनर्जी होगी बस बट उस हंड्रेड परसेंट एनर्जी में से सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी ही जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिलेगी जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास यहाँ पे हंड्रेड परसेंट एनर्जी है यहां से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स इसको खाएंगे तो सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी इनको मिलेगी जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो सिर्फ वन परसेंट एनर्जी उसको मिलेगी और उसके बाद जब पे थर्ड लेवल कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा तो जीरो पॉइंट वन परसेंट और जब ये जो नेक्स्ट जो प्रीडेटर है वो इसको खाएगा तो उसको जीरो पॉइंट एनर्जी मिलेगी मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में से सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी ही है जो आगे ट्रांसफर होगी उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है यहां पर प्रोड्यूसर जो है वो सपोज यहाँ पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्री लाख जूल्स यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो थ्री लाख जूल्स का टेन कितना होगा टेन हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इन थ्री लैक वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो इस तरीके से ये हमारा कट हो जाएगा तो हमारा फिर पीछे की, पीछे क्या बचेगा यहाँ पर ये यह हम क्या निकाल रहे हैं इसका टेन परसेंट तो यहाँ पर क्या होगा इसमें से कितना आ गया ये थ्री वन टू थ्री फोर थर्टी थाउजेंड यहाँ पर आ गया तो थर्टी जब हम यहाँ इसमें से निकाल देंगे तो पीछे कितना बचेगा यहां पर 2 तो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और यहाँ से कितनी एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर होगी सिर्फ थर्टी थाउजेंड एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी प्राइमरी कंज्यूमर्स में जब यहाँ पे थर्टी थाउजेंड एनर्जी

टेन परसेंट ऑफ एनर्जी इन द फूड इज़ इन टू द एनिमल फ्लेशी परसेंट इज कंज्यूम्ड इन द इंजेशन ऑफ़ द बॉडी हीट एंड अदर एक्टिविटीज और ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था यहाँ पर ये लिंडामैन पर्सन था इसने नाइनटीन फोर्टी टू में ये कॉन्सेप्ट दिया था टेन परसेंट

और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है इस पर्टिकुलर चीज में एनर्जी जो है वो टेन परसेंट मिलती है और बाकी वाली क्या हो जाती है लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट तो ये कुछ चीजें थी जो हमने इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करी है के यहां पर हमने बहुत ही अच्छे से वे में डिस्कस करा है इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा पैरामिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग सक्सेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में सो थैंक यू सो मच फॉर Watching this video, so goodbye, take care, all the best.